धरती पर ऐसे कई हजारों पेड़ पौधे हैं जिनका इस्तेमाल विभिन्न बीमारियों की दवाइयां बनाने और आयुर्वेदिक औषधि के रूप में किया जाता है। ऐसा एक पौधा है पलाश। पलाश का वृक्ष मैदानों और जंगलों में नहीं बल्कि ऊंची पहाड़ियों की चोटियों पर मिलता है। ये तीन रूपों में पाया जाता है, वृक्ष रूप में, शूट रूप में और लता रूप में। इसके पत्ते, फूल और फल तीनों भेदों के समान ही होते हैं। पलाश की फलियां कृमिनाशक का काम तो करती हैं, इसके उपयोग से बुढ़ापा भी दूर रहता है। पलाश फूल से स्नान करने से ताजगी महसूस होती है। पलाश फूल के पानी से स्नान करने से लू नहीं लगती तथा गर्मी का एहसास नहीं होता। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम आपको पलाश के कुछ फायदे बताते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पलाश के फायदे मोतियाबिंद के उपचार को दर्शाता है। इसके लिए आपको पलाश के फूलों के रस की आवश्यकता होगी, या फिर आप पलाश के बीजों को पानी में भिगोकर छोड़ दें और पानी से निकालकर इसका लेप बनाएं। इस पेस्ट को आप अपनी आंखों में काजल की तरह लगाएं। इस तरह आप इस पेस्ट का नियमित रूप से उपयोग कर धीरे धीरे मोतियाबिंद के प्रभाव को कम कर सकते हैं। यदि आप किसी चोट की सूजन से परेशान हैं, तो आप इसके लिए पलाश के फूलों का उपयोग कर सकते हैं। ये एक आयुर्वेदिक वृक्ष है जो कि आपकी बहुत सी परेशानियों को दूर करने में सहायक होता है। सूजन को दूर करने के लिए पलाश के फूल बहुत ही प्रभावकारी होते हैं। आप पानी की भाप में या हल्की आंच में पलाश के फूलों को गर्म करें और सूती कपड़ों की सहायता से इन गर्म फूलों को प्रभावित क्षेत्र में बांधें। ऐसा करने से आप गठिया, चोट, मस्तिष्क आदि की सूजन और दर्द को कम कर सकते हैं। पलाश के फायदे ऐसी समस्याओं के प्रभावकारी निदान के लिए जाने जाते हैं। त्वचा के विभिन्न संक्रमणों को दूर करने के लिए आप पलाश के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीजों में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट और संक्रमण विरोधी गुण होते हैं। पलाश के बीजों का उपयोग कर आप त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे कि दांत, फोड़े, फुंसियां, अल्सर या इनसे होने वाली सूजन को कम कर सकते हैं। पलाश के बीजों को अच्छी तरह पीस कर आप इसका पेस्ट बना सकते हैं और प्रभावित भाग में इस मिश्रण को लगाकर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आप इस पेस्ट का तब तक इस्तेमाल करें जब तक कि आपकी समस्या हल नहीं हो जाती। इसके उपयोग से जोड़ों का दर्द दूर करने में मदद मिल सकती है। इसके बीजों को बारीक पीसकर शहद के साथ दर्द वाले स्थान पर लेप करके लाभ मिल सकता है। इसके फूल की पोटली बनाकर नाभि के नीचे बांधने से मूत्राशय के रोग समाप्त हो सकते हैं और अंडकोश की सूजन भी नष्ट हो सकती है। इसकी छाल को पीसकर लगभग 4 ग्राम पानी के साथ सुबह और शाम देने से अंडकोश का बढ़ना खत्म हो जाता है। अगर आपको नाक, मलमूत्र मार्ग या योनि से रक्त रसाव होता हो तो इसकी छाल का काढ़ा बनाकर ठंडा होने पर मिश्री मिलाकर पिए। ये रक्त एवं पित्त विकार में भी लाभकारी होता है। पलाश की ताजा निकली हुई छाल के काढ़े का सेवन कुछ दिनों तक करें। काढ़ा पानी में बनाएं। इसके लिए 200 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम छाल को पर्याप्त उबालकर काढ़ा तैयार करें। ध्यान रखें, कुछ भी शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या फिर किसी चिकित्सक से सलाह जरूर लें। उम्मीद करते हैं कि हमारा हेल्थ का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसी और हेल्थ की वीडियोस देखने के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।